पर त्रिपाठी आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। मुरैना से बड़ी खबर आ रही जहां बीजेपी की नेत्री के घर पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। आतंक अपराधी ने की फायरिंग, बड़ी जानकारी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें कि पहले भी दे चुका है घटना को अंजाम, घर के बाहर एक एक करके 3 राउंड फायरिंग किए हैं। तो बड़ी जानकारी, पहले भी घटना को अंजाम दे चुका है, फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई आरोपी की तस्वीर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो मुरैना से जुड़ी ही बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि बीजेपी की नेत्री के घर पर फायरिंग करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आतंक अपराधी ने फायरिंग की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे, घर के बाहर एक एक कर 3 राउंड किए फायर। इसके अलावा पहले भी दे चुका है घटना को अंजाम, बड़ी खबर इस वक्त की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो मुरैना से जहां बीजेपी की नेत्री के घर पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है, आदतन अपराधी ने की फायरिंग। बताया जा रहा है इससे पहले भी आरोपी ने फायरिंग की थी और एक एक कर ये फायरिंग की है, पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। तो ये बड़ी और जानकारी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमन सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमन, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री हैं भावना जालौन, जिनके दरवाजे पर ये घटना हुई है, जहां पर सीसीटीवी इनके पहले से लगे हुए थे, जिसमें ये घटना कैद होती है। एक दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, नकाबपोश होते हैं और वे फिर फायरिंग शुरू कर देते हैं, कर 3 राउंड फायर करते हैं, 1 राउंड उनके कैमरे की तरफ भी फायर किया जाता है जो कि उनके घर से जाकर लगता है। उनका कहना है कि पूर्व में भी इस प्रकार की वारदातें हो चुकी है, किसी व्यक्ति से उनका विवाद चल रहा है जो कि पहले आदतन अपराधी रहा है, पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई की है। हालांकि थाना कोतवाली प्रभारी टीआई योगेंद्र सिंह जाधव का इस मामले पर अभी कहना है कि स्पष्ट नहीं है कि वही आरोपी है जिसने पूर्व में फायरिंग की थी, वही आरोपी ये है जिससे विवाद हुआ है। परंतु अभी भावना जालौन जो है बीजेपी की नेत्री, उनका कहना यह कि मैं एक सरकार में जो पार्टी है केंद्र राज्य में और सभी जगह पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी उस पार्टी की नेत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कौन होगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जल्द इनको चेक किया जा रहा है, पूरी गली में जो सीसीटीवी लगे हुए उसके आधार पर इनकी सर्चिंग की जा रही है। सौरभ, अमन, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब बीजेपी की नेत्री, आप सही कह रहे हैं कि जब बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कौन होगा, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि रंजिश किससे है, क्या कुछ आशंका व्यक्त की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बता दूं, ये जो भावना जालौन जो नेत्री है बीजेपी की, इनका कहना है कि इनके नजदीक में रहने वाला एक व्यक्ति है जिनसे इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। पूर्व में इनकी जो गाड़ी खड़ी थी स्कॉर्पियो, उसको नुकसान पहुंचाया था, उसको क्षतिग्रस्त किया था, फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। एक बार फिर वही घटना दोबारा से दोहराई जाती है, फायरिंग होती है। इनका कहना यह था कि इनका बेटा थोड़ी देर पहले, चंद मिनटों पहले, वो अपनी दवा लेकर डॉक्टर के यहां से घर में आया है और घर में अंदर एंटर किया है, गेट लगाया है, उसके बाद ही फायरिंग शुरू हो गई। कहीं वो क्या बीजेपी की नेत्री की तरफ से मामला दर्ज कराया गया जिस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है? बिल्कुल, उनका कहना है कि रात में भी मुरैना पुलिस अधीक्षक महोदय को जानकारी दे दी है और सुबह होते ही मामला दर्ज कराने के लिए वे थाना परिसर पहुंच गई हैं। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। यानी ये अभी मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है अमन, यानी अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल अभी मामला दर्ज नहीं किया गया, अभी पुलिस सिर्फ जांच कर रही है। देखिए, ये जांच की विषय है और आप जैसा कि आप बता रहे हैं, इससे पहले भी फायरिंग हुई, दोबारा हुई, यानी इतनी हिमाकत किसके अंदर है, फिर भी मामला दर्ज नहीं हुआ और आरोपी अभी भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आरोपी कौन है। बिल्कुल, पहले जब पुलिस से अभी बात की गई कि पूर्व की जो घटना थी, तो पुलिस का कहना है कि जिस आरोपी के द्वारा पूर्व में जिस घटना को अंजाम दिया गया था उस पर एनएसए की कार्रवाई की गई थी, जिला बदर किया गया। चलिए ठीक है अमन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।